उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति उसकी बेटी और दामाद सहित एक ही परिवार के 3 सदस्यों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। कई लोगों ने गोली मारकर हत्या किए जाने की भी बात कही है। तिहारे हत्याकांड से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। गांव के कई लोगों ने आरोपी के घर में भी आग लगा दी। इसके बाद इलाके में सामुदायिक तनाव फैल गया। गुस्साई भीड़ ने कुछ और घरों और दुकानों को भी निशाना बनाया। सूचना पाकर दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू करने के लिए गांव में पहुंची। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस का कड़ा विरोध किया। एसपी ब्रिजेश श्रीवास्तव कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इस तिहाड़े हत्याकांड का मामला दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में 4 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पीड़ित परिवार का कुछ दिन पहले ही जमीन को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे शव को उठाने नहीं देंगे। पुलिस ने अभी तक ट्रिपल मर्डर केस की वजह को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने बताया है कि आगे की जांच जारी है। ग्राम मोहिद्दीनपुर है, संदीपन घाट थाना क्षेत्र में। ये सुबह 6:15 बजे ये सूचना आई थी, यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक ससुर और बेटी दामाद का घर के बाहर ये सो रहे थे। इसमें 4 लोगों को अभी नाम बताया है, उनको नामजद कर रहे हैं। वो घर से फरार है, हमारी टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। इसमें इनकी जमीन की पैमाइश थोड़े दिनों पहले हुई थी, उसी को लेकर के कुछ विवाद, इसके बारे में गहराई से हम जानकारी कर रहे हैं। अभी डेड बॉडी यहाँ से मार्चरी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उसके परिजन, कुछ यहाँ जो विपक्षी हैं उनके घर के बाहर जो झोपड़ियाँ थी उसमें आग लगाई हैं। आग पे काबू पा लिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं और जो विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं।